नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों घर का भेदी लंका ढाएगा। ये दोस्तों अब आपके जीवन काल में यह एक इंसान असली रंग दिखाने वाले हैं। ये दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा खास रहने वाली है। ये दोस्तों आने वाले 10 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो घटनाएं होने वाली है दोस्तों सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी दोस्तों, सर्वप्रथम दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले 10 दिनों के अंदर जो ग्रहों की स्थिति होगी आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। बस ग्रहों में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। कार्य स्तर पर भी आपका बड़ा लाभ यशमय दिख रहे हैं कि दोस्तों ग्रहों का जो शुभ निर्माण है आपके कार्यस्थल पर आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति में है। जी दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि ग्रहों की तो बहुत ही शुभ स्थिति है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि घर की ही भेदी यशमय लंका ढाने वाले हैं। यानी कि दोस्तों सब काम आपके अच्छे होंगे, लेकिन दोस्तों जिस पर आपने ज्यादा विश्वास किया है, जिस पर आपने ज्यादा शक नहीं करते दोस्तों, वैसे ही लोग जो कि आपके जीवन काल में आपके आसपास हैं, वैसे ही लोग अब आपके जीवन काल में आपके लिए फूट पैदा कर सकते हैं, आपको संकट समस्याओं का सामना करा सकते हैं। यूं कहें तो दोस्तों ये समय ये लोग अपना असली रंग दिखाएंगे और आपको गड्ढे में धकेलने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आने वाले 10 दिनों में आप सभी के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होंगे। तो दोस्तों इसलिए आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ये दोस्तों सर्वप्रथम जो भी सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक लाइक अभी कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जय शिव जरूर लिखें। भगवान शिव की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव पड़ती रहेंगी। और साथ ही यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों से जो कि इन 10 दिनों में आपको ध्यान में रखने हैं। जी दोस्तों ये बातें आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होंगे, तो दोस्तों इन्हें ध्यान में रखें कि दोस्तों चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। यह कल भी सच था और आज भी सच है। जी दोस्तों यह आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति चक्रव्यूह रचते हैं वो अपने ही होते हैं। क्यों दोस्तों? दूसरे को आपसे कोई भी मतलब ही नहीं। जी दोस्तों, जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं वह व्यक्ति आपसे दुश्मनी भला क्यों लेगा? तो दोस्तों इस बात को यश में आप ध्यान रखें। जी दोस्तों यही बात को आप बताने वाले हैं। क्यों दोस्तों? आप हमेशा ऐसे सोचते हैं कि आपके मन में आ जाता कि नहीं यह व्यक्ति हमारे बारे में बुरा नहीं सोच सकता। जी दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि आप हमेशा अपने मन की ना सोचें। जी दोस्तों, क्यों दोस्तों? आपको बता दें कि मन अंधा होता है, इसके पास कोई अपना ज्ञान नहीं होता है, मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए दोस्तों आप अपने अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम कीजिए, अपने मन से नहीं। क्यों दोस्तों? अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे दोस्तों, धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों यश में आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। जी दोस्तों यह बातें अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इनके लिए लिखें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आने वाले 10 दिनों में आप सभी के जीवन काल में कौन से बदलाव आने वाले हैं। दोस्तों यश में अधिकतर कार्य मन मुताबिक तरीके से संपन्न होते जाएंगे। आप पिछली गलतियों से सीखकर अपने कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने का प्रयास भी करेंगे जो कि बेहतरीन साबित होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात खुशी और ताजगी प्रदान करने वाली है। इसको प्रांत दोस्तों यश में आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। कोई भी काम समय पर पूरा न होने की वजह से आपको थोड़ी सी मायूसी भी हो सकती है। किसी अन्य की सलाह पर यश में ध्यान न देकर अपनी बनाई हुई नीतियों पर ही आप कार्य करें दोस्तों, ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि पेशे से संबंधित नियोजन बनाने के लिए आप अधिक प्रयत्न बढ़ाएंगे। अटके हुए पेशे को वापस प्राप्त करना आपके लिए यश में संभव हो सकता है। फिलहाल दोस्तों भविष्य के बारे में सोचना आपके लिए तकलीफ का कारण हो रहा है, इसलिए वर्तमान परिस्थिति पर अधिक ध्यान देकर उस पर ही काम करने की कोशिश करें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों किसी धार्मिक प्रवृत्ति की व्यक्ति से मुलाकात आपको विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन भी लाएंगे।
तथा आप जीवन को बेहतर नजरिए से देखने का प्रयास भी करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि विद्यार्थियों को किसी इंटरव्यू अथवा करियर संबंधी परीक्षा में सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है। आपको बता दें कि दोस्तों के साथ फिजूल घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ ना करें और यह समय को आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों में लगाएं। जी हाँ दोस्तों, इनसे आप अपने जो भी महत्वपूर्ण कार्य है उन्हें आप निपटा भी पाएंगे। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज को इसमें आप संभाल कर रखें, अन्यथा कोई इनका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों पर आपको गौर करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि किसी भी लेन देन या फिर पैसे से संबंधित व्यवहार करते समय आप जो है सावधान रहें या फिर इनसे आप परहेज रखें। दोस्तों यदि काम बैंक लोन से संबंधित हो तो दोस्तों उसके लिए उच्च अधिकारियों के साथ बात करके ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। दोस्तों अगले कुछ महीनों के लिए आपको अपनी जरूरतों को कम करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पैसे से संबंधित छोटी मोटी तकलीफ भी आपको हो सकती है, उनको टाला भी जा सकता है, लेकिन आपको इसमें प्रयास करने की आवश्यकता होगी। और इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों पिछले कुछ समय से जिन कार्यों में रुकावट आ रही थी, दोस्तों यह समय वे काम बहुत ही सजग और आसान तरीके से हल हो जाएंगे। दोस्तों वस्त्र आभूषण जैसी खरीदारी में आपका सुखमय समय व्यतीत होगा। आपको बता दें कि घर में रिश्तेदारों की भी आवाजाही रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय बच्चों की समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। डांट फटकार करने से उनके अंदर जो है हीनता की भावना उपज सकती है। तो दोस्तों यह समय इन पर परहेज करें, इनसे सावधान रहें। कल्पनाओं में न जीकर यथार्थ में ही आप विश्वास करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आप अधिक समय घर पर व्यतीत नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति आपको इसमें हो सकती है। करियर संबंधी जो भी आप निर्णय लिए हैं उनमें आप सफल भी इसमें होंगे। परिवार के लोगों को जिस तरह की जीवन शैली आप प्रदान करना चाहते हैं, दोस्तों उस तरह के अपने जीवन में बदलाव लाना आपके लिए संभव होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि किसी शुभ समाचार के मिलने से घर परिवार में भी खुशनुमा भरा वातावरण रहेगा। घर में किसी धार्मिक आयोजन संबंधी कोई भी कार्य बन सकती है या फिर योजना बन सकती है। दोस्तों आपकी मेहनत व फिर परिश्रम से कोई महत्वपूर्ण कार्य भी आपका संपन्न हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जल्दी सफलता हासिल करने के चक्कर में अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दूसरों के सुझाव पर भी गंभीरता से विचार करना इसमें आपके लिए जरूरी होगा। दोस्तों अचानक से ही कुछ खर्चे भी आपके सामने आएंगे, इसलिए फिजूल खर्चों पर अंकुश लगा कर रखें। दोस्तों ये आपके लिए इसमें अति उत्तम होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग परिवार से दूर रहते हैं वह लोग अपने परिवार को मिलने की योजना भी बना सकते हैं या फिर परिवार से किसी व्यक्ति से अचानक मुलाकात भी हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता यश में आपको सताएगी। किसी भी प्रकार की मानसिक तनाव का असर आपके कार्य पर यश में पड़ सकता है, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यह समय व्यवसाय के विस्तार संबंधी कोई भी योजना स्थगित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो समय होंगे परिस्थितियाँ उतना अनुकूल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों से बॉस तथा अधिकारी वर्ग भी प्रसन्न रहेंगे, प्रमोशन मिलने के भी योग बन रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी प्रॉपर्टी संबंधी डील फाइनल करते समय बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत होगी। दोस्तों पेपर से संबंधित कार्रवाई ध्यानपूर्वक ही करें, अन्यथा दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है। अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से इसमें चलती रहे। नौकरी पेशे व्यक्तियों को किसी प्रकार की गलती की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराजगी भी सहन करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में दूसरों के हस्तक्षेप से कर्मचारियों के बीच जो है फूट पैदा हो सकती है, इसलिए दोस्तों अपने निर्णयों को प्राथमिकता दें तथा व्यवसाय की गतिविधियों पर भी आपको अपनी पैनी नजर रखनी चाहिए। नौकरी पेशा व्यक्ति भी ऑफिस में जो है पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं, तो दोस्तों यश में आप ऑफिस में अपने जो विरोधी वर्ग है उनसे सावधान रहने की कोशिश करें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। विवादर संबंधों से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा इसका असर आपके घर परिवार पर पड़ सकता है
और वो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी की अस्वस्थता की वजह से घर पर अस्त व्यस्त भी रह सकता है, उनके तथा घर के कार्यों में सहयोग देना आवश्यक होगा। प्रेमी प्रेमिका के बीच भावनात्मक संबंध भी इसमें मधुर रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि यश में जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर तकरार भी उत्पन्न हो सकती है। ध्यान रखें कि घर की व्यवस्था पर इनका प्रभाव ना पड़े। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से व्यवहार करते समय मर्यादा का ध्यान रखना इसमें आपके लिए जरूरी साबित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें अर्थात आपके स्वास्थ्य की, तो दोस्तों यश में सिर दर्द और ब्लड प्रेशर की समस्या परेशान करेगी। वर्तमान वातावरण से अपना बचाव करना यश में आपके लिए जरूरी साबित होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि अपने काम की वजह से नसों में खिंचाव और दर्द जैसी समस्या रह सकती है। समय समय पर आराम भी आपको लेना चाहिए और आपको व्यायाम भी इसमें करना चाहिए। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बहुत ही बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ भी इसमें रखेगी। तो दोस्तों इन सभी बातों पर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।